क्वेश्चन नंबर वन, इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर, लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो लाइन ए बी है ये टेंजेंट है पॉइंट ए पर, सी जो है सेंटर है, हमें फर्स्ट वन पॉइंट करना है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी, सी ए बी, ये पहले तो ये ज्वाइन कर लेंगे हम लोग ताकि वो सी ए बी बन जाए, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, इन सर्कल विथ सेंटर सी, ज्वाइन पॉइंट्स सी एंड ए, सी ए को ज्वाइन कर दिया। अब ये सी ए क्या है अपना, रेडियस, सी ए इज द रेडियस, रेडियस की वैल्यू अपने को दिया है कितना है, देयरफॉर सी ए इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, इक्वेशन वन। सी ए की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब सी ए रेडियस है, ए बी क्या है, ए बी इज द टेंजेंट एट पॉइंट ए, ये दोनों चीजें गिवन है अपने को, गिवन कि रेडियस 6 का है, इसलिए सी ए 6 हुआ और ए बी जो है वो टेंजेंट है। अब ये है रेडियस, ये है टेंजेंट, दोनों आके सर्कमफ्रेंस पे मिल रहे पॉइंट ए पर, तो अपने को वही निकालना है, सी ए बी, मेजर ऑफ एंगल सी ए बी कितना हो जाएगा, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू, कैसे पता चल रहा है ये, टेंजेंट थ्योरम, इक्वेशन टू, टेंजेंट थ्योरम से ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हुआ है, मतलब परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं अपन, समझ में आ रहा है कि नहीं। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेकंड वन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी, तो वो जो डिस्टेंस है वो क्या है, पहले वो लिखो, सी ए इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी टू लाइन ए बी, सी से लेकर लाइन ए बी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सी ए, देयरफॉर सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इक्वेशन वन, देयरफॉर पॉइंट सी इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन ए बी, कितना डिस्टेंस है सी का, 6 सेंटीमीटर है लाइन ए बी से। थर्ड वन हमें बोला है, इफ डिस्टेंस ऑफ ए बी ये अगर 6 हो, ये तो 6 है ही, तो हमें बी सी फाइंड आउट करना है, तो बी और सी को भी ज्वाइन कर लो। थर्ड वन, ज्वाइन पॉइंट्स बी एंड सी, तो ये फिगर कैसे बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, देयरफॉर ट्रायंगल सी ए बी इज अ, इसको ज्वाइन करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में ये दो साइड इक्वल है, राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही, और कौन सा है, आइसोसेलेस, इन ट्रायंगल सी ए बी एंगल सी इज इक्वल्स टू 90, सी ए इज इक्वल्स टू 6 और ए बी इज इक्वल्स टू 6, देयरफॉर ट्रायंगल सी ए बी इज एन आइसोसेलियस राइट एंगल्ड ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल सी ए बी इज 45 90 डिग्री ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलियस राइट एंगल ट्रायंगल, यानी क्या 45 45 90, तो ये एंगल कितने का हुआ, ये एंगल कितने का हुआ, अपने को क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ बी सी, डिस्टेंस ऑफ बी सी यानी कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस और कुछ, अच्छा एंगल बी नहीं फाइंड आउट करना है क्या, फोर्थ वन है क्या एंगल बी, अच्छा थर्ड वन चल रहा है, सॉरी फोर्थ वन पता है,
हाँ बोलो, उससे भी हो जाएगा 45 45 90 से भी, बट पाइथागोरस समझ में आ रहा है उससे करेंगे। 45 45 90 से भी हो सकता है क्योंकि 1/√2 हो जाएगा हाइपोटेनियस से। ठीक है, ज्वाइन पॉइंट बीसी, बीसी को ज्वाइन करते हैं, एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सीएबी एंगल ए इज इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम, बोलो क्या हो जाएगा, सी बी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू सी ए स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर। इसकी वैल्यू नहीं पता तो इसको सी बी ही रहने दो, ए सी की वैल्यू पता है 6 सेंटीमीटर होल स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। सी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 36 दो बार है तो इसको अपन डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं 2 × 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के दो बार है, समझ में आ रहा है क्या। सो सी बी का स्क्वायर उधर लेके जाओ तो स्क्वायर रूट 2 × 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 का कोई तो स्क्वायर रूट आता नहीं है, 36 बाहर आएगा तो 6 अंदर क्या बचा, रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर आके सेंटीमीटर। तो ये है हमारा आंसर सी बी का, तो सी बी विल बी इक्वल टू 6√2। फोर्थ वन बचता है वो देखेंगे, इतना लिख कर लो। फोर्थ वन हमें पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, ए बी सी यानी एंगल बी का मेजरमेंट। एंगल बी का मेजरमेंट निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल सी ए बी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 2, सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिस इज गिवन। ये थर्ड वन में दिया हुआ था कि ए बी की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो देखो ये दो साइड इक्वल है और ये एंगल कितने का है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल सी ए बी इज एन आइसोसेलियस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। आइसोसेलियस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 को छोड़ के जो दो एंगल बच जाते हैं वो कितने के होते हैं, 45 45 के। तो एंगल ए बी सी कितने का हुआ, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री बाय बाय प्रॉपर्टीज ऑफ 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। ये हो गया पूरा आंसर अपना फर्स्ट वन का। इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम पॉइंट आर, टेंजेंट्स आर एम एंड आर एन, टेंजेंट सेगमेंट्स आर ड्रॉन टचिंग टू सर्कल एट पॉइंट एम एंड एन। इफ ओ आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल आर 5 सेंटीमीटर देन फाइंड फर्स्ट वन, क्या फाइंड करना है, हाँ लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। टेंजेंट सेगमेंट इसमें है आर एम और आर एन, रेडियस की वैल्यू हमें पता है कितनी है 5, लेकिन यहां रेडियस दिया नहीं है तो पहले इसको ज्वाइन कर लो। ये 5 है और ये भी 5 है, तो सबसे पहले वही लिखो, ज्वाइन ओ एम एंड ओ एन इन सर्कल विथ सेंटर ओ, इन सर्कल विथ सेंटर ओ हमें यह वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो आर एम और आर एन, या तो ऊपर वाला ट्रायंगल ले लो या तो नीचे वाला ट्रायंगल ले लो, दोनों भी सेम ही है क्योंकि यह वैल्यू 10 है और यह वैल्यू 5 है। ऊपर वाला ट्रायंगल लेते, इन सर्कल विद सेंटर एम, ओ एम इज अ रेडियस, आर एम इज अ टेंजेंट एट पॉइंट एम। तो ये एंगल कितने डिग्री का हुआ, कैसे, देयरफॉर एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम। अगर 90 हो गया तो वो ट्रायंगल कौन सा हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम आर इज अ
राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो दो साइड दिए है, तीसरी साइड फाइंड आउट करना है। सो इन ट्रायंगल ओ एम आर एंगल एम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाँ बोलो, हाइपोटेनियस कौन सा है? ओ आर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम होल स्क्वायर प्लस आर एम होल स्क्वायर। ओ आर की वैल्यू 10, या ओ एम इज द रेडियस, देयरफॉर ओ एम इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ऐसे लिख दो। ओ एम इज 5 सेंटीमीटर, आर एम अपने को फाइंड करना है। हाँ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आर एम होल स्क्वायर, उसको इधर लाओ। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एम स्क्वायर। 100 माइनस 25, 75 सेंटीमीटर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एम होल स्क्वायर। वो स्क्वायर इधर लाएंगे तो स्क्वायर रूट 75 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एम 25 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट 75 का तो कोई रूट नहीं आता है, 25 बाहर आके 5 अंदर, क्या बचा? रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर आके। तो आर एम की वैल्यू कितनी है? यही ट्रायंगल सेम नीचे भी है तो इसको लिख देंगे सिमिलरली आर एन इज ऑल्सो 5 रूट 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट्स आर एम एंड आर एन इज कितना है? 5 रूट 3 सेंटीमीटर। उसमें का फर्स्ट वन है, बीट नंबर 2 का फर्स्ट वन लिख कर लो। सेकेंड वन, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ? ये एंगल का मेजरमेंट कितना है? ये एंगल एम आर ओ जो है ऊपर वाले ट्रायंगल में आ रहा है, सो वही लेंगे। इन ट्रायंगल ओ एम आर एंगल एम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमें एंगल्स नहीं पता है, हमें साइड पता है, साइड से एंगल निकालना है। क्या यूज होगा? कन्वर्स। अब देखो यहां पर सेगमेंट ओ आर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड सेगमेंट ओ एम इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये पता है हमें, गिवन है क्वेश्चन में। देखो ओ एम इज 5 और ओ आर इज 10, तो ये वैल्यू इससे कैसे हुई? तो हम बोल सकते हैं सेगमेंट ओ एम इज हाफ ऑफ सेगमेंट ओ आर। ओ आर इस ट्रायंगल का क्या है? हाइपोटेनियस है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं देयरफॉर सेगमेंट ओ एम इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। अगर कोई साइड हाफ होती है हाइपोटेनियस है, तो उसका अपोजिट एंगल कितने डिग्री का होता है? 30। देयरफॉर एंगल ओ एम आर इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। कैसे पता चला ये? कन्वर्स ऑफ 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। यहां तक क्लियर है क्या सभी को? ये एंगल की बात करते हैं अभी, इधर वाले, इसमें भी एक साइड 10 की और एक साइड पाई है, इसका अपोजिट एंगल कितना होगा? 30 हो जाएगा। तो इसको लिख दो सिमिलरली एंगल ओ एन आर इज ऑल्सो 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 3। ये क्यों निकाल रहे? ये तो पूछा नहीं है ओ एन आर, ये निकाल क्यों रहे? क्योंकि नेक्स्ट वन में हमें पूरा एंगल निकालना है एम आर एन। थर्ड वन में पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर एन, ये पूरे एंगल का मेजरमेंट। ये पूरे एंगल में दो एंगल आ रहे, मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ प्लस मेजर ऑफ एंगल एन आर ओ, इसको बोला जाता है एंगल्स एडिशन पोस्टुलेट, बोलो या फिर प्रॉपर्टी भी बोल के याद कर सकते हो। एंगल एडिशन प्रॉपर्टी बोलो, वो याद नहीं रह रहा था। एम आर ओ कितना है? 30 और एन आर ओ
कहां से पता चला है? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो कितने डिग्री का हुआ? 60। मेजर ऑफ एंगल एम आर एन इज इक्वल टू 60 डिग्री। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सेगमेंट आरएम एंड आरएन आर टेंजेंट सेगमेंट्स ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। प्रूव दैट ओ आर बाइसेक्ट एंगल एम आर एन एंड एंगल एम ओ एन। ये लाइन को बाइसेक्टर प्रूव करना है, इधर वाले एंगल का एम आर एन का और इधर वाले एंगल का एम ओ एन का। बाइसेक्टर मतलब क्या? हाँ, ऐसी लाइन जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हो वो बाइसेक्टर होगा। मतलब यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल अगर कॉन्ग्रेट हो जाए तो ये लाइन बाइसेक्टर हो जाएगी एम आर एन की, और यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल कॉन्ग्रेट हो जाए तो ये लाइन बाइसेक्टर हो जाएगी एम ओ एन की भी। क्लियर है क्या? तो आप सॉल्व करते हैं, देखते हैं। प्रूफ करने के लिए बोला है गिवन। हाँ, क्या क्या दिया हुआ है अपने को? ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, आर एम एंड आर एन आर टेंजेंट सेगमेंट्स। और कुछ नहीं। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? सेगमेंट ओ आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम आर एन एंड एंगल एम ओ एन। प्रूफ स्टार्ट करेंगे। एम आर एन मतलब ये पूरा एंगल, एम ओ एन मतलब ये पूरा एंगल। उसमें से ये पार्ट हमें चाहिए और ये पार्ट चाहिए, ये पार्ट और ये पार्ट चाहिए। तो अगर पूरे फिगर को देखोगे तो वैसे तो ये क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है और नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इन ट्रायंगल ओ एम आर एंड ट्रायंगल ओ एन आर, यहां पे सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट आएंगे। ऊपर वाले ट्रायंगल में और नीचे वाले ट्रायंगल में आपने को क्या इक्वल दिख रहा है? सेगमेंट ओ एम इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट ओ एन। क्या लिखू? रेडी ऑफ सेम सर्कल, एक से ज्यादा हो तो रेडी बोलेंगे, बता चुका हूं मैं। हाँ, और क्या कॉन्ग्रेंट दिख रहा है अपने को? सेगमेंट ओ आर इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट ओ आर। हाँ, कॉमन साइड, ठीक है। और सेगमेंट बोलो ना, सेगमेंट आर एम इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट, रीजन टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। जब एक ट्रायंगल में तीन पेयर ऑफ साइड कॉन्ग्रेंट हो जाते एक दूसरे को तो वो ट्रायंगल कैसे हो जाते? कॉन्ग्रेंट हो जाते। जब एक ही ट्रायंगल में तीनों पेयर ऑफ साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों पेयर ऑफ साइड को कॉन्ग्रेंट है तो वो ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? तो ट्रायंगल ओ एम आर इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, अच्छा ये कॉन्ग्रेंट है, सिमिलर नहीं। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के कितने मेथड से? फाइव। फर्स्ट यस 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 टेस्ट, यस ए यस टेस्ट, ए यस ए टेस्ट, ए एस टेस्ट, हाइपोसाइट टेस्ट। क्लियर है क्या? इनमें से कौन सा यूटिलाइज होगा? एस 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 टेस्ट। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उसके रिमेनिंग सारे साइड कॉन्ग्रेंट, रिमेनिंग सारे एंगल कॉन्ग्रेंट। तो यहां का एंगल हमें चाहिए, कौन सा एंगल है? देयरफॉर एंगल एम आर ओ इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल एन आर ओ। यहां का भी चाहिए एंगल एम ओ आर इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल एन ओ आर, रीजन बोलो। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो ओ आर क्या हो जाएगा? देयरफॉर ओ आर इज द बाइसेक्टर
of angle MRN and angle MON. Hence proved. हाँ, अगर अपन ये ना करते हुए ये एंगल को 90 बता के भी सॉल्व कर ले तो भी हाइपोसाइड टेस्ट से कॉन्ग्रेंट हो सकते, ये दोनों ट्रायंगल यस 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 से भी हो सकते और हाइपोसाइड टेस्ट से भी हो सकते हैं, तो किसी से भी कर लो आंसर वही आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर। पैरेलल टेंजेंट्स यानी क्या? पैरेलल टेंजेंट्स यानी ऐसे टेंजेंट जो एक दूसरे के एग्जैक्ट सामने हो, यानी बिल्कुल एंड पॉइंट पे होंगे, तभी जाके पैरेलल हो सकते हैं। या फिर पैरेलल टेंजेंट उसको बोलेंगे जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स को टच हो रहे। सपोज ये है ओ, ये है ए, ये है बी, ये है टेंजेंट का नाम पी क्यू और ये टेंजेंट का नाम है सपोज आर एस। हमें ये बताना है कि ये पूरा डिस्टेंस कितना है उनके बीच का। रेडियस दिया है हमें कितना है, तो ओ बी भी रेडियस है और ओ ए भी, तो पूरा लेंथ कितना हुआ, तो बस वही हमें बताना है। फोर्थ वन, अब ये फिगर दिया नहीं है, हमने ड्रॉ किया, तो पहले इसका पूरा डिस्क्रिप्शन लेंगे। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, ऐसे ही फिगर आए कुछ जरूरी नहीं है, अगर अपन ने ऐसे ड्रॉ किया है तो भी राइट है, अगर ऐसे ड्रॉ किया है तो भी राइट है। समझ में आ रहा है क्या? कैसे भी ड्रॉ कर लो, पैरेलल होने चाहिए बस एक दूसरे को। मैंने एग्जांपल ऐसे बता दिया आपको। सो लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, पी क्यू इज अ टेंजेंट एट पॉइंट ए एंड आर एस इज अ टेंजेंट एट पॉइंट बी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी रेडियस ऑफ सेम सर्कल, देयरफॉर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। इक्वेशन वन, हमें बोला है कि ये पैरेलल टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस निकालो। ये पैरेलल टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस क्या है? डायमीटर है। क्या है? सो हम लिखेंगे डायमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो डायमीटर की वैल्यू निकालो, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ या डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू 4.5 सेंटीमीटर, यानी देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स इज 9 सेंटीमीटर। हाँ, जस्टिफिकेशन ये है, डायमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स।